आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन विद यू ऑल व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हम लोग को कुछ चार कंपाउंड्स दिए गए, अब उनका हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो चार कंपाउंड्स क्या है, वन ब्रोमो इथेन, वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो ब्यूटेन एंड ब्रोमो बेंजीन। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है हेलोजन। यहाँ पे हेलोजन जो है वो ब्रोमीन लिया गया है, तो वो सेम है। तो इस रिस्पेक्ट में कि हेलोजन सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। तो इफ हेलोजन एटम इज सेम, देन बॉइलिंग पॉइंट इज डिसाइडेड बाय, तो बॉइलिंग बाय द एल्काइल चेन, एल्काइल चेन। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल चेन के। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक चेन में होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग। मतलब अगर कोई हम लोग को कंपाउंड दिया गया है लेकिन उसमें कार्बन एटम्स की ब्रांचेस भी लगी हुई हैं, तो जैसे कि हम लोग सबको पता है एटम्स में स्फेयर टाइप के होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा ब्रांचिंग की वजह से, मेन हमको ये याद रखना कि मेन क्या है यहाँ पे, ब्रांचिंग की वजह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल चेन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें। और भी ये कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ नहीं इतना। तो जैसे कि पहला कंपाउंड वन ब्रोमो इथेन, दैट इज CH3CH2Br। ठीक, ये हो गया वन ब्रोमो इथेन। फिर है वन ब्रोमो प्रोपेन, तो ये है CH3CH2CH2Br। आप देख रहे हैं चेन जो है बढ़ती जा रही है। फिर क्या है, वन ब्रोमो ब्यूटेन है, वन ब्रोमो ब्यूटेन। फिर क्या है, फिर तो बेंजीन है अपनी, मतलब रिंग आ गई और रिंग का तो ऊपर से डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियस है कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही। तो इन सब में सबसे ज़्यादा तो कार्बन एटम्स इस रिंग में है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा मतलब चेन बड़ी है काफ़ी और रिंग है ऊपर से, तो फोर्थ वाले का तो ज़्यादा होगा, मतलब ब्रोमो बेंजीन का सबसे ज़्यादा होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्रोमो बेंजीन का सबसे ज़्यादा। फिर होगा वन ब्रोमो ब्यूटेन, फिर होगा वन ब्रोमो प्रोपेन। फिर इसके बाद क्या आएगा, आखिरी में वन ब्रोमो इथेन है हमारा। ठीक, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोग समझ ही होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।